आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। डबरा के सीमा सुरक्षा बल एकेडमी टेकनपुर में 16 दिसंबर विजय दिवस शहीदों के सम्मान के लिए सीमा सुरक्षा बल के द्वारा खुला मंच का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर के न्यू ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस अवसर पर 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्ति अशोक सिंह, अपर महानिदेशक पीवी रामा शास्त्री और संयुक्त निदेशक जितेंद्र सिंह ओबेरॉय और डबरा ग्वालियर से पधारे नागरिक परिषद के गणमान्य सदस्यों ने भी शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अकादमी के द्वारा विजय दिवस मनाया गया और भारत और पाक युद्ध में अमर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। ये 50वीं वर्षगांठ जो विजय दिवस की है, ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमारे देश ने एक दूसरे देश पे विजय पाई और एक नया देश बांग्लादेश को स्थापित किया। ये इसमें हमारा बहुत देशवासियों का बलिदान है। जो हमारी फोर्सेज हैं उनका तो बलिदान है ही है, लेकिन सारे नागरिकों का भी इसमें बहुत एक तरह से उनका भी सहयोग था, क्योंकि मेरे को याद है देश में उस टाइम पर रात को लाइटें बंद करनी पड़ती थी और एक तरह से हमारा देश उस टाइम पर इतना संपन्न नहीं था, तो हर चीज़ों में कटौती करके पूरी व्यवस्था देश के सेनाओं की तरफ प्रभावित करी जा रही थी। इसमें हम सब जितनों ने भी अपना अपना बलिदान दिया, हम उनकी तरफ नमस्तक हैं, और जितने लोग इसमें जो परिवार जो असहाय हो गए उनके लिए भी हम बहुत अपना सम्मान देते हैं, क्योंकि जब बहादुर जवान तो अपना शहीद हो जाता है लेकिन पूरा प्रेशर उसकी फैमिली पर जाता है, और ये एक हिंदुस्तान की जो फैमिलीज़ हैं वो ही समझ सकती हैं कि क्या इसका प्रेशर होता है, और लेकिन देश उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है और इसका हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन लोगों को। हम तो उस टाइम पर वॉर में नहीं थे, हम ट्रेनिंग में थे, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत दिखाई, अपना बहादुरी दिखाई, उन सब के लिए हम बहुत बहुत